श्री राधे राधे। भक्तों, श्री भागवत जी में वर्णन है कि जब श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा कर रहे थे और बहुत वर्षों के बाद लौट करके आए युधिष्ठिर जी को दर्शन देने के लिए, युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा, आप तीर्थ यात्रा करने नहीं गए थे, आप तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने गए थे। भवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं भी हो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, आप जैसे महान भगवत भक्त जो होते हैं वो स्वयं तीर्थ के स्वरूप होते हैं और तीर्थ पार भगवान आपके हृदय में लीला करते रहते हैं, इसलिए तीर्थ के स्वरूप तो आप हैं ही, जहाँ जाते हैं उस जगह को तीर्थ बनाते जाते हैं, बल्कि तीर्थों को भी तीर्थत्व तो प्रदान करते हैं, अर्थात उनके अंदर तीर्थों के अंदर शक्ति जागृत करते हैं, शक्ति को बढ़ा देते हैं। भक्तों, ये श्री युधिष्ठिर जी ने कहा था, लेकिन एक बात मैं अपनी ओर से निवेदन कर रहा हूँ, ये तीर्थ के ऊपर तो कृपा होती ही है, पतित निकृष्ट कहे जाने वाले लोगों के ऊपर भी कृपा करते हैं ऐसे महान भक्त। स्वामी कार्तिकेय जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा के अंदर के तीर्थों की यात्रा कर रहे थे, और आप लोगों ने श्रवण किया था, एक गोदरी के ऊपर कृपा करके उसके गोरस को स्वीकार किया था, और उस गांव से उस भाव भरी गोपी वो गोदरी से आज्ञा लेकर के महाराज जी आगे बढ़े। तो वो गांव पड़ा ब्राह्मणों का, वो लोग महाराज जी को थोड़ा जानते थे इसलिए बहुत सम्मान किया। मुख्य तो उस गांव में ब्राह्मण ज़्यादा थे, लेकिन वो लोग छुआछूत को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो ज़माना ही ऐसा था भक्तों। तो दर्शन के समय भीड़ इतनी अधिक हो जाती कि दूर खड़े हुए व्यक्तियों को दर्शन मिलना दुर्लभ था, और उसी ग्राम में एक स्वपच भक्त थे जिनको ये पता था कि ये लोग हमको छुआछूत की दृष्टि से देखते हैं, तो वो दूर से ही दर्शन करते थे जिससे किसी को कष्ट न हो, क्योंकि महाराज जी का दर्शन तो वो चाहते थे किंतु और किसी को तकलीफ नहीं हो इसलिए दूर से दर्शन करते थे। तो उन्हें दर्शन जब नहीं हुए ठीक ढंग से, क्योंकि और जनता आगे थी, थोड़ी आवाज महाराज जी की सुनने को मिल पाई। तो सत्संग की समाप्ति के समय भी सबसे पहले उनको हटना पड़ा, क्योंकि पीछे वही थे, किसी से छू न जाए ऐसा वो ध्यान रखते थे। तो अब देखिए, वो तो अपनी जनता के हिसाब से प्रवृत्ति बनाए थे कि किसी को कष्ट न हो, लेकिन संत की महानता आप समझिए। आप महाराज जी अकेले उनके निवास स्थान से निकल करके ग्राम की ओर टहलने जा रहे थे, तो उसी मार्ग में जो उनका घर था स्वपच भक्त का, तो बाहर से पूर्ण स्वच्छ था, तुलसी के पौधे लगे हुए थे उनके घर में, राम नाम भी लिखा हुआ था, और भीतर से नाम संकीर्तन की ध्वनि कुछ कुछ सुनाई पड़ रही थी। तो महाराज जी किसी संत या भक्त का घर समझ करके भीतर घुस गए, और घर के भीतर उस भक्त की वृद्धा माँ थी, प्रवेश करते देख करके बड़े विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार
मैं छोटी जाति की हूँ, आप यहाँ कहाँ आ रहे हैं? यहाँ के लोग मेरे ऊपर क्रोध करेंगे। तो महाराज जी बहुत खुश हुए कि कितना भक्त है, इनके यहाँ कीर्तन हो रहा, राम नाम लिखा हुआ, तुलसी के पौधे लगे हुए। तो महाराज जी बोले, भैया तुम मत डरो। अरे माता तुम भी मत डरो, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि तुम्हारे घर के अंदर मैं आया था, तुम्हें जो भजन आता हो सुनाओ। तो मैया विशेष आश्वासन पा करके महाराज जी को अब आसन पर विराजमान कराया, और इतने में वो सपच भक्त भी आ गया। मैया ने उसको गुरुदेव के पधारने का सब समाचार सुना दिया, और बोली से कुछ पहचान करके वो बोला, वो सपच भक्त महाराज जी से बोला कि सरकार आपकी बोली तो मैंने कहीं सुनी थी। महाराज जी ने कहा, भैया आपने सुनी होगी। भक्त ने पूछा, प्रभु आपकी वाणी सुनने का सौभाग्य मुझे कहाँ मिला होगा? तो महाराज जी ने स्मरण दिलाया ब्राह्मणों की सभा में, वहाँ मैंने सत्संग किया था। भक्त ने पूछा, दयालु क्या आप वही हैं? मुझे तो आपके दर्शन बहुत दुर्लभ थे, आप तो कृपा करके मेरे घर के अंदर पधारे। भक्त की दीन वाणी सुनकर के महाराज जी उसे महाराज हृदय से लगा लिए, जबकि और लोग उससे दूर दूर रहते थे कि छू न जाए कहीं महाराज तरीके। और महाराज जी उस भक्त को जिससे दूर दूर लोग रहते थे कि ये छू न जाए हमसे, उसको अपनी छाती से लगा लिया महाराज जी ने कस के। और इस प्रकार से सच्चे भक्त का सम्मान किया। और ऐसे चलते चलते महाराज जी ने ब्रज की संपूर्ण परिक्रमा पूर्ण की। उसके बाद फिर वृंदावन पधारे, और अन्नकूट का उत्सव जब हुआ तब उसके बाद महाराज जी किशोरी जी के साथ सब भक्तों को गंगापुर और उज्जैन विदा करके फिर उड़िया बाबा को प्रणाम किए, पुनः उनसे भारत पदयात्रा का नियम लेकर के अवध धाम को विदा लिए। गुरुदेव को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव अब मैं पैदल ही चलता हुआ अयोध्या जी जाऊँगा, और आगे भी आपके आशीर्वाद से जहाँ भी जाऊँगा पैदल जाऊँगा। हमारे जुड़िया बाबा भी पैदल ही चलते थे। तो फिर कार्तिकेय जी गुरुदेव को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चले, और उनकी सेवा में स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य जी और ऋषि जी कहे जाते थे, ये सिंधी बाबा थे। तो सिंधी बाबा जी कोई कोई कहते थे, कोई ऋषि जी कहते थे। तो ये दोनों लोग श्री कार्तिकेय जी महाराज की सेवा में थे। वृंदावन से मथुरा पहुंचकर कासगंज जाने वाली रेलवे लाइन के किनारे 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 पैदल चलते चलते पगडंडी मार्ग से महाराज जी हाथरस पहुँचे। एक रात्रि वहाँ की धर्मशाला में निवास किया, दूसरे दिन कासगंज होते हुए सोरों पधारे। सोरों में सप्त स्रोत है, उनसे अखंड जलधाराएं निकलती रहती। महाराज वहाँ पहुँचे, श्री गंगा जी में स्नान करके सप्त स्रोतों का दर्शन करते हुए महाराज जी सहसवान पहुँचे, और मोहल्ला सेपुल्लागंज के बाहर एक मंदिर वाले बगीचे में ठहर गए। महाराज श्री कार्तिकेय जी के तेजोमय रूप से आकृष्ट होकर बगीचे के मालिक सेठ दामोदर दास जमींदार जो थे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनके साथ साथ कई भक्तों ने अपनी आग्रहपूर्ण प्रार्थना से द्रवित करके महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। दूसरे दिन सायं 4 बजे सेपुल्लागंज से शहबाजपुर मोहल्ले के समीप एक बगीचे में पधारे।
और सिपुल्लागंज से बहुत से भक्त महाराज जी को पहुंचाने के लिए आए थे। उस मोहल्ले में प्राय मुसलमानों की बस्ती थी। अनेक हिंदू मुसलमान ईसाई दर्शकगण महाराज जी का दर्शन और अमृतोपम उपदेश सुनने के लिए आ गए। तो कुछ ही समय में मेला सा लग गया। सभी जात सभी मतों के लोग महाराज जी के सत्संग और दर्शन के लिए लालायित रहने लगे। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का रोचक एवं संक्षिप्त उत्तर सुनकर सबका हृदय आश्चर्य और आनंद से भर जाता था। आपस में सबकी यही चर्चा थी कि श्री महात्मा जी को सभी के धार्मिक ग्रंथों का पूर्ण अध्ययन है। अति शीत के समय भी, बहुत ठंड जब पड़ती थी तब भी महाराज जी वृक्ष के नीचे एक पतला कटिवस्त्र मात्र पहने सत्संग करते रहते थे। और उनको इस प्रकार से जब लोगों ने देखा तो सबको बड़ा कौतूहल होता था, हम लोग ठंड से कांप रहे हैं, ये एक अचला केवल पहने बैठे। दूसरे दिन सायं 3 बजे महाराज जी शहबाजपुर से चल पड़े। उस समय सहसवान तहसील के सिपुल्लागंज तथा शहबाजपुर के अतिरिक्त अन्य कई मोहल्लों के भी अनेक स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे महाराज जी के पीछे चलने लगे। और भक्तों सहसवान से उजियानी जाने वाले राजपथ पर पहुंचाने के लिए लोग गए। भक्तों ये बदायूं की तरफ उजियानी पड़ता है, उस तरफ से महाराज जी जा रहे थे। और श्री महर्ष जी की सब प्रेम आज्ञा बस उनकी आंखों से ओझल हो जाने पर अश्रुधारा बहाते हुए लोग वापस आए। ऋषि जी तथा रामकृपाल जी महाराज के साथ बदायूं होते हुए महाराज जी बरेली पधारे। भक्तों बरेली से शाहजहांपुर तथा सीतापुर होते हुए माग के अंत तक नैमिषारण्य पहुँच गए महाराज जी। वहाँ आदि गंगा गोमती के किनारे स्वामी नारदानंद आश्रम के समीप एक नैमिष टीले की गुफा में जा विराजे। किंतु आग्रह करने पर भी आश्रम की भिक्षा स्वीकार नहीं की। 2-3 दिनों बाद पूज्यपाद नारदानंद जी महाराज का वार्षिकोत्सव आया। उसमें निमंत्रित थे महाराज कार्तिकेय जी, तब आश्रम पर पधारे। नारदानंद जी महाराज जी को देखते ही समीप आए और गले लगा करके प्यार से मिले। उस समय दोनों महापुरुषों का मिलन जैसे राम और भरत का मिलन हुआ ऐसा दिखलाई पड़ा लोगों को। दोनों बार बार भुजा पसार कर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। कुछ देर बाद फिर दोनों लोग प्रकृतिस्थ हुए। स्वामी नारदानंद जी महाराज ने अपने पास सत्संग पांडाल में महाराज जी को बैठाया और उपस्थित कई सहस्र जनता को उपदेशामृत पान कराने के लिए आग्रह किया। महाराज जी ने उनकी वाणी का सप्रेम सत्कार करने के लिए अपना अत्यंत प्रभावशाली एवं ओजस्वी भाषण प्रारंभ किया। उसको सुनकर के जनता की श्रवण पिपासा बढ़ती जा रही थी। लोग चाहते थे और सुनने को मिले। परंतु समय पूरा हो जाने पर महाराज जी ने अपने उस सत्संग प्रवाह को रोका, जिस सत्संग प्रवाह को लगातार जनता पान कर रही थी। वो थोड़ा अतृप्त से ही रह गए। उनको लगा कि महाराज जी ने हमको प्यासा ही रख दिया, पूर्ण तृप्ति नहीं हो पाई। और सब लोग भाव विभोर थे महाराज। भक्तों नैमिषारण्य में ही महाराज जी की कृपा से श्री कृष्णा बहन को महाराज जी के शरीर में भगवान शंकर जी के दर्शन हुए।
और कई दिनों की प्रेम समाधि लग गई महाराज। कृष्णा बहन के पिताजी ने वहीं दीक्षा प्राप्त की महाराज जी से। कुछ दिनों पश्चात महाराज जी स्वामी नारदारन जी से मिलकर कानपुर होते हुए लखनऊ पधार रहे थे। मार्ग में एक युवक साधु मिले जो महाराज जी के दर्शनों के लिए अनशन पूर्वक भजन कर रहे थे। उनका हठ था कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं कुछ भी आहार नहीं ग्रहण करूंगा। तो भगवान की प्रेरणा से ही महाराज जी स्वयं उनके पास पहुंच गए और उस साधु ने ज्यों ही महाराज जी की ओर कार्तिकेय जी की ओर देखा तो कार्तिकेय जी के शरीर में उसे अपने उपास्य देव भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हो गए। फिर तो वो कार्तिकेय जी के साथ ही यात्रा करता हुआ लखनऊ आया और वहां से पता नहीं फिर कहाँ चला गया वो साधु। महाराज जी कृष्ण गोपाल जी पंसारी की प्रार्थना के अनुसार पता लगा करके उन वृद्धा माता जी की कुटी पर पधारे जो पेपर मिल के सामने पुराने काठ वाले पुल के दाहिनी ओर वृक्षों की सघन झाड़ी में कुटी बनाकर अपने विरक्त पतिदेव के साथ रहकर भजन करती थी। महाराज जी का घर बैठे दर्शन पाकर के मैया कृतार्थ हो गई और उसी मैया के यहाँ महाराज जी का प्रथम दर्शन परम श्रद्धेया रानी गोपाल खेड़ा, श्री जगदीश प्रसाद सिंह, श्री कुंती देवी, श्री जानकी बहन एवं उनके भाई श्री विश्वनाथ खन्ना आदि को हुआ था। और कुछ ही दिन लखनऊ में निवास करने के पश्चात श्री रामनवमी का पर्व अयोध्या जी में मनाने के लिए महाराज जी संवत 2003 अर्थात सन 1946 के चैत्र मास में श्री अयोध्या जी पधारे और श्री लक्ष्मण किला के अंतर्गत श्री सरयू महल में विराजे। उज्जैन वाली परम भक्ता सरस्वती बाई भी वहीं थी। महाराज जी का दर्शन करके उनको बहुत प्रसन्नता हुई। श्री कुंती मैया कपूर तथा त्याग वैराग्य मूर्ति श्री जानकी बहन जी ने अपने छोटे भैया महेंद्रनाथ खन्ना को लखनऊ से ला करके वहीं महाराज जी का प्रथम दर्शन कराने की कृपा की थी। और रामनवमी के पश्चात श्री महाराज जी गुप्तार घाट पधारे अयोध्या जी में और वहाँ की सुप्रसिद्ध लीला की स्मरण करते ही जो भगवान राम की लीला है ना, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौ ने निज धाम। गुप्तार घाट ही वो स्थल है जो प्रजा सहित प्रभु अपने धाम गए थे जहाँ पर थे। तो वहाँ की लीला को स्मरण करते हुए श्री कार्तिकेय जी समाधिस्थ हो गए। पुनः सावधान होने पर घाट को तथा सरयू मैया को बारंबार प्रणाम करके अपने रहने योग्य समीपवर्ती स्थान की खोज में परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़े तो दाहिनी ओर इमली वृक्ष के नीचे एक गोल चबूतरा दिखाई दिया। वो गुप्तार घाट से अलग और समीप भी था तो उसी के पास विराजमान हो गए और श्री राम कृपाल जी महाराज भिक्षा का अन्न ला करके टिक्कर बनाते और महाराज जी को प्रसाद पवाते थे। श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, सेठ लक्ष्मीचंद्र रस्तोगी आज कुछ सज्जन स्वामी कार्तिकेय जी के पास आने लगे और समीपवर्ती पीपल वृक्ष की छाया में सत्संग होने लगा महाराज जी का। उस स्थान पर एक लंबा चबूतरा बनाकर गोबर से लिपवाया गया, उसी पर बैठ करके महाराज जी ने श्री गीता जी पर प्रवचन प्रारंभ किया जिसको सुनने के लिए श्रोताओं की दिनानुदिन वृद्धि होने लगी। नित्य नए उत्सवों की योजनाएं बनने लगी और जंगल में मंगल होने लगा।
एक दिन श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज गीता जी पर प्रवचन कर रहे थे। उसी समय काशी के एक सुप्रसिद्ध विद्वान श्री मंगलदेव शास्त्री जी उस जगह पधारे और लोगों की श्रद्धा महाराज हटाने के लिए महाराज जी के प्रति अनाप शनाप आक्षेप करने लगे। भक्तों, विद्वानों में अधिकतर ईर्ष्या का रोग हो जाता है, ऐसे कुछ उनके साथ हुआ था। महाराज जी के प्रतिक्रिया रहित हो करके उनके महाराज जी जो कार्तिकेय जी थे उनको कोई भी बुरा कुछ नहीं लगा, जबकि वो बहुत गलत सलत बोलते रहे, लेकिन महाराज जी को कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उनके सब आक्षेपों को समर्थन जैसे करते रहे, हाँ जो कह रहे हैं सब ठीक। उनकी सहज मुद्रा में किसी प्रकार की विकृति नहीं आई। ये देखकर शास्त्री जी दंग रह गए कि मैंने तो इतनी बुराई इनकी कर दी और इनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। अंत में प्रणाम करके क्षमा मांग करके तब वो विदा हुए। इसी प्रकार नगर की एक मैया भी अपने पतिदेव की प्रेरणा से महाराज जी की यशो हानि करने के लिए पार्क में आई। महाराज जी की महाराज ख्याति से उसका पति चिढ़ता था, तो उसने अपनी पत्नी को माध्यम बना करके निंदा फैलाने की कोशिश की। उस समय महाराज जी वट वृक्ष से उत्तर मुचकुंद वृक्ष के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर उद्यान में सत्संग कर रहे थे। भक्तों की काफी भीड़ थी। उसी समय वो भीड़ को चीरती हुई आकर महाराज जी की चौकी पर झटपट उनसे सट कर बैठ गई। ये देखकर उस पर सभी को बड़ा क्रोध आया कि महाराज जी से सट के बैठ गई चबूतरे पर। तो महाराज जी तुरंत अपनी चौकी से उतरकर नीचे बैठ गए और बच्चों की तरह मुस्कराते हुए बोले, मैया बड़ी कृपा की जो यहाँ पधारी, अब आसन पर सुविधा से विराज जाइए। ऐसा कह करके नीचे बैठे हुए प्रसन्न मुद्रा में ही महाराज जी प्रवचन करने लगे। तब वो दो उनके बगल में सट के चौकी पर बैठ गई थी, उसको बड़ी लाज लगी कि तो नीचे जमीन पर बैठ गए और मुझे हाथ जोड़ के कह रहे हैं मैया बड़ी कृपा पूर्वक पधारी। तो थोड़ा लजाए जब वो, तो अपने करतूत से भयभीत होकर चौकी से उतरकर पीछे की ओर चुपचाप निकल करके घर भाग गई। उसने देखा ये संत को तो कोई नाराजगी नहीं हुई मेरी क्रिया से, तो महाराज जी को तो क्रोध दिलाना चाहती थी लेकिन क्रोध उनको आया ही नहीं। ऐसी घटनाएं कुछ चिढ़ने वाले लोगों ने की कि महाराज जी को क्रोध आ जाए। उसमें एक वयोवृद्ध कन्हैया लाल जी थे, उन्होंने पूछा, महाराज जी इतने उत्पात होने पर भी आपके ललाट पर मैंने कभी थोड़ी सी भी रेखा ऐसी नहीं देखी जो क्रोध और दुख की हो। ये क्रोध विजय संपत्ति आपको किस साधन से मिली है? तो महाराज जी मुस्करा कर बोले, क्रोध को जीतने के लिए मुझे कोई साधन नहीं करना पड़ा, कारण कि वो कभी मेरे पास आता ही नहीं है। ये सुनकर कन्हैयालाल जी चकित होकर कहने लगे कि क्रोध को जीतने के लिए बड़े बड़े ऋषियों को भी कितनी कितनी तपस्याएं करनी पड़ी, फिर भी समय पा करके उसने उन्हें छोड़ा नहीं, किंतु वो आपके पास आता ही नहीं। ये गुण तो भगवान का है, इसलिए उनका एक नाम अक्रोध भी है। और कुछ दिनों पश्चात महाराज जी की सेवा में श्री ज्ञानानंद जी महाराज पहुँचे। फिर तो तंबूरा, करताल, हारमोनियम द्वारा भजन कीर्तन का आनंद बरसने लगा। आषाढ़ मास में वर्षा का आगमन देखकर किसी भक्त ने इमली वृक्ष से पूर्व तथा वट वृक्ष जाने वाले मार्ग के दाहिने भाग में
एक सघन वृक्ष के नीचे बड़ा तंबू लगवा दिया। संतों की सुविधा के लिए एक छोटा तंबू भी लगाया गया। वहाँ पर महाराज जी प्रातःकालीन व्यायाम सिखाने लगे। उसमें नवयुवक बहुत से आते थे और गुरु पूर्णिमा का समय भी निकट आ गया था, इसलिए वट वृक्ष के नीचे जहाँ पक्का चबूतरा बाद में बना, एक कच्चा चबूतरा उस समय बनाया गया था। महाराज जी का सत्संग उसी पर होने लगा, जिसमें नगर की जनता अधिकाधिक भाग लेने लगी। कभी कभी भक्तों के विशेष आग्रह पर प्रवचन इनका महाराज जी का नगर में भी होने लगा। विद्यार्थियों की शारीरिक तथा मानसिक शक्ति विकास के लिए कंपनी बाग में शिक्षकों का एक कैंप भी लगा था, जिसमें स्वामी कार्तिकेय जी उन्हें सूक्ष्म व्यायाम और योगिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिए थे। इस तरह से जनता के कल्याण का भी कार्यक्रम महाराज जी के द्वारा होता था भक्तों। और फिर किशोरी माता पधारती हैं, वो वृत्तांत मैं आपको कल श्रवण कराऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।